हेलो एवरीवन, मैं हूं रिकी, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, हम आज जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ब्रिगेड रोड से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वो भी हम आज जा रहे हैं बस में। तो मेरा साथ है आज बहुत सारे भाई लोग मेरे साथ हैं, तो आप लोग को एक एक करके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बना मेरा नाम चाहिँ विवेक हो, म चाहिँ अब दार्जिलिङबाट हो, यहाँ चाहिँ 5 साल भयो काम गर्न आएको हो। वो साथीलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट्दैछु, खुसी लाग्यो, नाइस टु मिट यु। उसलाई त अलरेडी भेटेको होला केटाहरूले, हाम्रो प्रणित भाइ यता हो न। गाइस, हेलो, मेरो नाम चाहिँ अनिस हो। आज हामीहरू सबैजना जाँदैछौँ, आज हम बहुत मजे करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो चुका है, अभी अभी हम रूम से निकला है, तो सीधे मिलते हैं गाइस बस स्टैंड में। बस का मजा कुछ अलग ही होता है गाइस, बहुत सालों बाद फिर से एक बार हम आ चुके हैं बस में ट्रेवल करने के लिए। ये रहा अपना बस, लोकल बस। सॉरी गाइस, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये मेरा प्रणीत भाई जो लोग जो है, इनका कुछ काम आ गया है, तो ये लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हैं अभी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, है ना। ला ला बाय, गो गो बाय, बाय बाय, बाय बाय, ला बाय बाय बाय। सो गाइस, ये लोग तो चले जा रहे हैं, पर मैंने मेरा नरेश भाई को बुलाया है मेरे साथ जाने के लिए, तो वो कभी भी पहुंच ही सकता है, अभी वो आ रहे हैं, तो उनके साथ आज हम ब्लॉग पूरा करने वाले हैं। सो गाइस, आई थिंक नरेश भाई भी आ चुके हैं और हमारा बस भी रेडी है। तो ये रहा नरेश भाई। भाई सो रहा था, बोल रहा था नींद से उठा के लाया हूँ इसको मैं, ही ना। वो बस रेडी, बस हो गया रेडी। हाँ चलो फिर जाते हैं बस में। अरे ये रहा हमारा बस, आए। सो गाइस, बस पूरा भर चुका है और अभी हम खड़ा होके जा रहे हैं। उसका नाम क्या है बताओ, नाम क्या है, नाम क्या है? Thank you.
टर्मिनल स्टॉप में है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो गया है। और इसकी कहाँ जा रहे हो? सो गाइस अभी हो गए हैं, रात पड़ चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी नीलाद्री नगर बोलते हैं ये जगह को एक्चुअली। तो हम एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, उनका छोटा सा एक मोमो का स्टॉल है तो उनसे भी मिलना है। और उसके बाद मिलने के बाद हम फिर वापस जाना पड़ेगा हमको M0, यहीं से बस पकड़ना है फिर से आके। सो गाइस अभी कुछ हम इस तरह की जगह में एक आदमी ने आगे भी दिया। अभी हम जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए। किना जगह देखा पड़े ना नी क्रिसमस की तैयारी यहाँ पे चल रहा है। जब मैं यहाँ पे पहले था ये सब कुछ भी नहीं था, आजकल इतना अपग्रेड हो गया है कि मतलब 2 सालों में कुछ इस तरह के हो गया है। अभी यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था पहले। पर्रा छ आऊ ना म दामी मैं थाहा छ क्या यहाँ पे जब हम थे पहले, यहाँ पे कुछ सब्जी का मंडी था। अभी देखो यहाँ पे पेटर इंग्लैंड का शोरूम खोल चुका है। हम जहाँ पे जा रहे हैं गाइस वो बर्गर कम से कम यहाँ पे करीब 5-6 साल से हैं। तो जब शुरू किया था तो कहीं ना कहीं हम ही बनाते थे वो बर्गर को, पर मतलब तब हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम आके एज ए कस्टमर हम खाएंगे। तो आज हम एज ए कस्टमर जाके वहाँ पर खाएंगे बर्गर को। और यहाँ पे जब हम थे इतना पॉपुलेशन भी नहीं था, लेकिन अभी का पॉपुलेशन देखकर तो मतलब हैरानी हो जाते हैं हम कभी कभी। और बहुत कुछ डेवलप हो गया है एरिया। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है। जैसे ये हो गया, इसको ये अपार्टमेंट का नाम हो गया है आपका, इसको बोलते हैं अजमेरा। और आगे कौन सिलिकॉन वैली भी है पीछे छोड़ के आ गए हम अभी। यहाँ पे बहुत सारे बार भी है, इसको बोलते फायर स्टेशन। और आगे कासा पिकोसा, यहाँ पे मैकडी भी है पर हम खाएंगे नहीं। सो गाइस हम अभी एक्चुअली बर्गर खाने आए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। जहाँ पे खाली मिलेगा वहीं पे हम मोमो खा के चले जाएंगे। तो गाइस फिर कभी आते हैं यहाँ पे, आके आप लोग को ठीक से दिखाऊंगा ये जगह को। अभी के लिए हम चलते हैं कहीं। खाली जगह पर जहाँ पर खाली हो,
यहाँ हम मूला मोमो खाने आ रहे हो यहाँ पे मोमो खाने के लिए, मतलब यहाँ का मोमो बहुत फेमस है, तो इसीलिए टेस्ट करने आए। क्या कर रहा है पूरा देखा दो ना मालिक मालिक ले देखा यूट्यूब में आएगा वीडियो में। हेलो बोल दो मुझे नहानो मेरा टेस्ट तो बहुत ऑसम है, आप लोग भी आके ट्राई कीजिए। यहाँ का मोमो बहुत टेस्ट है, बहुत गर्म है इसलिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ, खाने से पहले ही पसीना आ गया। कौन हो टेस्ट कैसा है? तो गाइस हम सीधा मोमो खाने के बाद हम चलेंगे ब्रिगेड रोड सीधा, तो सीधा वहीं पे मिलते हैं। हम मोमो खा के हो गया हमारा, तो अभी हम चलेंगे सीधा। लो दादू गो कोला रिकिस डायरी भन्ने छ कि, रिकिस डायरी भन्ने छ कि युट्युब च्यानल, त्यसमा गएर हेर्नु न तपाईँको दोकान पनि। ल रिकिस डायरी मजा आ गया गाइस। तो हम अभी जा रहे सीधा फिर से वही बस स्टॉप में। यहाँ पे एक्चुअली बेंगलोर में अगर आपके पास एक बाइक हो तो बहुत ही अच्छा होता है ट्रैवलिंग के लिए, वरना तो फिर आपका ट्रैवलिंग खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम आज बस में ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सब्सक्राइबर भेटे अब हमें, ये और एक अपार्टमेंट है यहाँ पे कॉनकॉर्ड। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब तिरंगी लोग ही रहते हैं यहाँ कॉनकॉर्ड कैपुचिनो बोलते उसको। सो गाइस फाइनली हम अभी हैं रूम में, बहुत घूमने के बाद फिर से हम बस वहीं से जहाँ पे फिनिश हुआ था वहीं से बस पकड़ के फिर हम एमजी रोड में आए। उसके बाद एमजी रोड से सीधा घर आकर अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ है, बहुत टायर्ड हो गया हूँ बस में बैठ बैठ के। तो मेन मोटिव आज का यही था कि मतलब थोड़ा बहुत जगह जहाँ पे हमने स्पेंड किया हमारा लाइफ का बेंगलोर में वो सब दिखाने का। तो एक जगह तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बहुत ही अभी तो बहुत खूबसूरत हो गया है पहले से, तो वही मोटिव था मेरा। तो आई होप कि आप लोग को देखने में मज़ा आए, और अगर आप लोग को वीडियो अगर देख के मज़ा आया तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आसपास अपने घर के करीब आसपास साफ सफाई रखिए और सबका ख्याल रखिए, अपना माता पिता को बहुत प्यार कीजिए ढेर सारा। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।